इस हिस्टोरिक मोमेंट में लद्दाखी के साथ साथ बाहर से भी कुछ सपोर्टर इस दिल्ली चलो पद यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। अभी मेरे साथ एक सपोर्टर जुड़े हुए हैं, इनका इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस ओवरऑल, क्यों इन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है। आपका नाम? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सोनूरज और मैं बिहार से हूँ और बिहार से मैं साइकिलिंग करते हुए 5 महीने पहले लद्दाख गया था विदाउट गियर साइकिल से, तो सोनम वांगचुक सर ने मुझे साइकिल गिफ्ट किया था और बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं क्लाइमेट के लिए ट्रैवल करता हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ जिसमें मैं इंडिया का 28 स्टेट्स पूरा मतलब स्टेट्स मैं कवर करने वाला हूँ और मैं अभी तक 10 स्टेट और 3 यूनियन टेरेटरी कवर कर चुका हूँ और मेरा अभी 9000 से भी ज़्यादा किलोमीटर मैं साइकिल चला चुका हूँ। और मैं भी क्लाइमेट के लिए ट्रैवल करता हूँ क्योंकि ज़्यादा कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंका जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए और ग्लेशियर को बचाया जाए, तो इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ क्लाइमेट के लिए। और सर भी क्लाइमेट के लिए पद यात्रा कर रहे थे तो मेरा जुड़ना तो हक बनता था, इसलिए मैं महाराष्ट्र में अपना साइकिल छोड़ के और मैं पद यात्रा ज्वाइन करने आया हूँ। और बहुत सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लाइमेट के लिए सपोर्ट कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छा लगता है जब। कितने दिन हो गए ज्वाइन करके? मुझे आज 10 दिन से ऊपर हो गए ज्वाइन करके। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा, सब लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए और सबके पास मैसेज पहुँचा रहे हैं कि अभी आप अभी अगर आप जीवन ना बदले या स्लो जीवन ना किए, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैलाना बंद किए तो आपका जीवन बहुत ही हार्ड रहेगा। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन आगे वाली जनरेशन को बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आप भी क्लाइमेट पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाए और ग्लेशियर पिघलने से बचाए। इस यात्रा में ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है, हाँ, उनसे आपको किस तरह मतलब के प्रेरणा मिलते हैं? उनको तो मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा, इतने मतलब 75 और 72 एज के बहुत हमारे ग्रुप में है, उनको देख के लगता है भाई साहब मतलब ये लोग अपने लद्दाख के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लद्दाख से देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप ज्वाइन नहीं हो सकते तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और उन लोगों को हौसला बढ़ाएं। मैं भी बूढ़े लोग जितने भी हैं मैं उनका ग्रुप में बहुत ही जोक करता हूँ, मजाक करता हूँ, हंसाता हूँ उनको और अच्छा लगता है उनके साथ, मैं उनका वीडियो बनाता हूँ, बहुत मतलब मस्ती करता हूँ उनके साथ और उनका थोड़ा हौसला मतलब उनको देख के इतना हौसला मिलता है हमको कि भाई इतने बूढ़े होके भी वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जनरेशन को, आने के लिए आने वाले जनरेशन को, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला जब वॉक कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप साइकिल के थ्रू लद्दाख आए हैं? हाँ, साइकिल लद्दाख जो है हाई माउंटेन पासेस के लिए जाना चाहिए। हाँ, साइकिल पे हमें इतनी मतलब यात्रा करने में इतनी परेशानी होता है, वही इस बीच हम लद्दाख से हिमाचल क्रॉस करके 4 माउंटेन पास क्रॉस करके आए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? वो भी पैदल? हाँ, मतलब साइकिल से तो हार्ड है ही लेकिन पैदल करना मतलब आज तक भविष्य में पहले हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग लगा। बर्फ में ठंड धूप अभी झेल रहे हैं, बहुत कुछ झेल के यहाँ तक आए हैं और मतलब अलग एक्सपीरियंस मिला कि माउंटेन्स में वॉक किए हम लोग, मतलब जो व्यू वो हम लोग करीब से देखे, अपना ग्रीनरी और माउंटेन्स को ग्लेशियर को करीब से देख पाए कि हमको इसी को बचाने के लिए हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं और हम लोग करीब से सभी लोग फील कर पाए, मतलब अलग एक्सपीरियंस है ये। अगर आप लोग जुड़ना चाहते तो जरूर अभी भी जुड़ सकते हैं। आखिर में अगर कुछ सवाल छूट गए होंगे, क्या आप अगर मजीद कुछ ऐड करना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आप नहीं अपना भविष्य अगर सुधारना चाहते तो प्लीज़ क्लाइमेट पर ध्यान दीजिए और जितना हो सके मैसेज पहुंचाइए कि हाँ पेड़ पौधे लगाएं, माउंटेन सेफ, ग्लेशियर सेफ, और हमारे पद यात्रा को ज्वाइन ना कर सके तो इसको ज़रूर आप शेयर करिए और बस यही क्लाइमेट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल ये लद्दाख से बाहर इस मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने सुना इनका क्या कहना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए और दिल्ली चलो पद यात्रा के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। मूसा तुमेली, लद्दाख इनसाइडर के लिए, मंडी, हिमाचल प्रदेश।